बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमली की चटनी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएंगी। हमने यहाँ पर इमली ली है, ये 100 ग्राम इमली है। अब हम इसमें गर्म पानी ऐड कर लेते हैं। भीगने के लिए इसे हम 30 से 40 मिनट रख देते हैं। 40 मिनट हो गए हैं, इमली अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, अच्छे से भीग गई है। अब इसे अच्छे से मैश कर लेना है ऐसे। अब एक बाउल लेंगे, उस पर छन्नी रख देते हैं और ये जो इमली है इसमें डाल देंगे। इमली को अच्छे से निचोड़कर इसका पल्प निकाल कर ले लेना है, छिलका अलग कर देना है। और यहाँ पर पल्प बनाकर तैयार कर लिया है हमने। अब इसको एक कढ़ाई लेंगे और ये पल्प वो कढ़ाई में डाल देंगे गैस के फ्लेम को फुल पे रख के। अब हमें इसे 3 से 4 मिनट पका कर ले लेना है। अच्छे से 3 से 4 मिनट ये पक जाना चाहिए। फिर 100 ग्राम इमली है तो 100 ग्राम गुड़ इसमें ऐड कर लेते हैं और इसे अच्छे से 3-4 मिनट के लिए फिर से पका लेते हैं। हाफ टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर ऐड कर लेते हैं, हाफ टेबल स्पून नमक ऐड कर लेते हैं, हाफ टेबल स्पून चाट मसाला, हाफ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर लेते हैं और इसे अच्छे से 4 मिनट तक हमें पका कर ले लेना है। अब इसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए हम इसमें 3 टेबल स्पून शक्कर ऐड कर लेते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट पका कर ले लेना है। लीजिए, खट्टी मीठी इमली की चटनी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं और अच्छे से ठंडा कर लेते हैं। और जैसे ही ये ठंडी हो जाए हम इसे एयर टाइट जार में भर के इसे फ्रीज में स्टोर करके 3 से 4 हफ्ते के लिए रख देंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।